बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मंगल जो है ना, वो ज्योतिष में कहते हैं सेनापति है। आपके जीवन में साहस, ऊर्जा और सुरक्षा का स्वामी है, कारक है उसका। जब मंगल किन्हीं अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है, यानी अशुभ ग्रहों के साथ योग बनाता है, संबंध बनाता है, तो नकारात्मक परिणाम, निगेटिव परिणाम पैदा करता है। और मंगल अगर निगेटिव होता है तो इन अशुभ योगों से स्वास्थ्य पर और सुरक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके कारण अगर मंगल का अशुभ योग हो तो ज्यादातर दुर्घटना की समस्या होती है, शल्य चिकित्सा होती है, साहस में कमी आती है, आत्मविश्वास में कमी आती है, ये सब समस्याएं परेशान करती हैं। मंगल का निगेटिव इंपैक्ट अगर होगा, अशुभ योग कुंडली में होंगे, तो शरीर की और जीवन की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह पैदा हो सकता है। पहला जो मंगल का दोष है उसे हम कहते हैं अंगारक। मंगल का मतलब अंगार, अग्नि से संबंध रखता है। मंगल का पहला दोष है अंगारक दोष। क्या होता है? अगर आपकी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो तो अंगारक योग बनता है, और ये योग प्रचंड दुर्घटना पैदा करता है, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करवाता है, और रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित समस्या भी देता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध खराब होते हैं, या तो पति पत्नी में संबंध बहुत बुरे होंगे, या स्थितियां ऐसी होंगी कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ रह नहीं पाएंगे। अगर कुंडली में अंगारक दोष हो मंगल राहु का, तो मंगलवार का एक तो उपवास रखिए, वो जरूरी है आपके लिए। हर मंगलवार को कुमार कार्तिकेय की उपासना करिए। कार्तिकेय जी को आप जानते होंगे, भगवान शिव के पुत्र हैं, तो कुमार कार्तिकेय की पूजा हर मंगलवार को करें, मंगल का जो अंगारक दोष है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। मंगल का पहला अशुभ योग है अंगारक, और दूसरी अशुभ स्थिति है मंगल दोष। क्या होता है मंगल दोष? कुंडली में अगर मंगल लग्न में बैठे, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में बैठे, तो कुंडली में मंगल दोष बनता है। दक्षिण भारत में ऐसा मानते हैं कि अगर मंगल दूसरे भाव में बैठे तो भी मंगल दोष बनता है। इसके होने पर रिश्ते बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, इसलिए मंगल दोष होने पर यह कहा जाता है कि कुंडली मिला करके शादी करिए। कुंडली में अगर मंगल दोष है तो विवाह और रिश्तों के मामले में गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि मंगल दोष अगर बैलेंस नहीं हुआ है तो आपके वैवाहिक जीवन में, आपके रिश्तों में समस्या जरूर आएगी। क्या करना चाहिए? अगर मंगल दोष की वजह से दिक्कतें आ रही हैं तो हनुमान जी को नियमित रूप से चोला यानी सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। महिलाएं लाल फूल अर्पित करेंगी, चोला नहीं चढ़ाएंगी, और भूमि के निकट जमीन पर सोइए, बिस्तर बिछा के या लो फ्लोर के पलंग पर सोइए। जमीन का संबंध मंगल से होता है, जमीन से जितनी निकटता होगी आपकी, प्लेन जमीन पर मत सोइएगा, बिस्तर डालकर या दरी बिछा करके सोइएगा। ऐसा करने से मंगल की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो अतिरिक्त ऊर्जा है, वो जमीन में ट्रांसफर होगी और मंगल आपका बैलेंस हो जाएगा। ग्रह जो होते हैं वो अलग अलग राशियों में उच्च के होते हैं, बहुत ताकतवर हो जाते हैं, और अलग अलग राशियों में नीच के होते हैं, बेहद कमजोर हो जाते हैं। नीचस्थ मंगल का मतलब है जब मंगल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, कुंडली में जहां चार नंबर लिखा है, अगर वहां मंगल भी लिखा हुआ है तो मंगल आपका नीच राशि में बैठा है, यानी बेहद कमजोर है। मंगल अगर कर्क राशि में हो तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की समस्या, रक्त की समस्या और साहस की समस्या देखी जाती है। हालांकि कर्क लग्न इसका एक अपवाद है। कर्क का मंगल एक फायदा और पहुंचाता है कि अगर मंगल नीच का हो तो कभी कभी आदमी बहुत अच्छा सर्जन बन जाता है, बहुत बढ़िया सर्जरी करता है। अगर नीच का मंगल है कुंडली में और आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो तांबा धारण करिए, तांबे का छल्ला, तांबे का कड़ा, तांबे की चेन,
गुड़ और काली मिर्च रोज शुभ सुबह ब्रश करने के बाद थोड़ा सा गुड़ और दो दाने काली मिर्च के खाइए, आपको लाभ होगा। मंगल की ऊर्जा उत्पन्न होगी, पैदा होगी, और मंगल की ऊर्जा पैदा होने से नीचस्थ मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा। बहुत सारे योग ऐसे होते हैं जो बड़ी अद्भुत स्थितियां पैदा करते हैं ज्योतिष में। उसमें एक योग है शनि और मंगल का योग। हम इसे बहुत अशुभ भी नहीं कहेंगे और बहुत शुभ भी नहीं कहेंगे। शनि अगर वायु है, हवा है, वायु तत्व का अधिपति है, तो मंगल आग है, मंगल अग्नि तत्व का अधिपति है, और दोनों के मिलने से प्रबल अग्नि पैदा होती है और प्रबल विस्फोट पैदा होता है। इस योग की वजह से, शनि मंगल के प्रभाव की वजह से, व्यक्ति के साथ शस्त्राघात, गोली लगना, हथियार लगना, वायुयान दुर्घटना होना, आतंकी घटनाएं होना, इस तरह की संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन ये योग कुंडली में कभी कभी आदमी को रातों रात ऊंचाई पर पहुंचा देता है, एकदम से व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। इस योग की मुश्किल क्या है, जितनी तेजी से ऊंचाई पर ले जाएगा, अंत भी उतना ही अचानक सडन होता है। अगर ये योग कुंडली में है तो इसके बुरे प्रभाव को कैसे दूर करें, रोज सवेरे माता पिता के चरण स्पर्श करिए। हर शनिवार को, हर मंगलवार को शाम को सुंदर कांड का पाठ करिए, बजरंग बली की कृपा में रहिए, उनसे प्रार्थना करिए, आप इस योग के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे।